नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। देखिए, जब से यह देश आजाद हुआ है तब से शासक जातियों के द्वारा एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लोगों को हिंदू के नाम पे अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं आरएसएस एवं उनके गुंडे के लोग। हिंदू के नाम पे यह ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नारा मारकर अपना शासक कायम करना चाहते हैं। आप बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में, संविधान में एससी एसटी ओबीसी का अपना एक संवैधानिक अधिकार दिया है और एससी एसटी को और ओबीसी को अब जो हिंदू के नाम पर उनको हिंदू का सर्टिफिकेट देगा और दीर्घकालीन तक इस देश में ब्राह्मणों की एक साजिश के तहत ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को दीर्घकारी गुलाम बनाने का यह एक संयंत्र है। इसलिए एसटी एसटी एससी एसटी ओबीसी एवं माइनॉरिटी के लोग, हम इसको पूरी देश में लागू नहीं होने देंगे आरसी बिल को। इसके लिए हम 85 लोग जहां जान की कुर्बानी हो जाए वो देने के लिए तैयार है। अरे बोल 85। हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम इस धरना दिया बहुजन मुक्ति पार्टी के ओर से, पूरा भारत बंद है, आज संविधान के उल्लंघन करने जा रहा है। एनआरसी क्या है, सरकार अपना प्रमाण दे, सरकार खुद अपना प्रमाण नहीं देता है। हम लोग से प्रमाण मांगते हैं, हम लोग कितना प्रमाण उसको दे, हम लोग तो आधार कार्ड दिए, अपना क्या कहते पहचान पत्र सब कुछ देते हैं, लेकिन तब पर भी वो अपना जो है सो कहता है कि हमको उसका दियन अपने खराब है, सरकार खुद अपने आदमी पे फैल है और खुद हम लोग को कहता है कि ये नहीं है। साथियों, आज जो जिला स्तरीय रैली प्रदर्शन जो मधुबनी में किया गया है बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले, जिसमें बैकवर्ड समाज के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के जितने भी अपसुट संगठन है सारे का बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले साथ समर्थन है और ये आंदोलन 31 राज्यों में 550 जिला में और 4800 तहसीलों में इस बहुजन क्रांति मोर्चा का राष्ट्रव्यापी रैली प्रदर्शन है। साथियों, मैं यहाँ पे एनआरसी के विरोध में बैठी हूँ। मैं पुनीता मंडल नखरो प्रखंड से आई हूँ और महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ और मैं कहना चाहती हूँ ये एनआरसी का विरोध में बैठी हूँ। एनआरसी बंद होना चाहिए, एनआरसी बंद होना चाहिए और डीएनएस लागू करना चाहिए। हम लोग एनआरसी के विरोध में यह कार्यक्रम कर रहे हैं सर, और एनआरसी हम लोग चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं डीएनए के साथ एनआरसी लागू किया जाए। एनआरसी का आधार डीएनए होना चाहिए और इससे पता चलेगा भारत का डीएनए कौन है, मूलवासी कौन विदेशी है, और 3% लोग जो विदेशी है वो देश में राज कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम लोग एनआरसी का समर्थन करते हैं, लेकिन डीएनए के साथ करते हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।